मिलेगा अगर हाँ तू तुझे पहले मिलेगा इधर 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 गाइस मारता है मारता है मुझे मुझे मारेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो मेरे सभी व्यूवर्स। तो मैं 2 या 3 दिन से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद अपनी तबीयत ही ख़राब थी। इस वजह से मेरा शेड्यूल ही इतना चेंज हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी तबीयत का ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जा रही हूँ, फजर में पूरे काम निपटा के पूरा ले रही हूँ, और दोपहर में यानी अपनी वर्किंग का काम होने के बाद है ना मुझे नींद आने लगी है, मुझे फीवर जैसा महसूस भी होने लगा है। और ऐसा हो रहा है कि मेरी तबीयत बहुत बुखार जैसा इतना आ रहा है मुझे कि मुझे मैं दोपहर के खाना और रात का खाना भी छोड़ दे रही हूँ। यहाँ देख सकते हो आज मैं अपने कैंडो का रूटीन आपको बताऊँगी कि अर्ली मॉर्निंग कैसे मैं रूटीन करती हूँ। ये देखिए, उसे पता है कि मैं जाने वाली हूँ उसे बाहर लेके मॉर्निंग 7 बजे, तो कैसा उछल उछल के कूद रहा है यहाँ वहाँ, रेहान को भी परेशान कर देता है, उसके आँख पर कूद जाता है। ये देख सकते हो, मैं उसको बोल रही चल आ मैं लेके जा रही हूँ लेके आ रही हूँ चल चल, तो वो भी नहीं सुन रहा है। तो ये देख सकते हो कितना वो मुझे बोला जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो मेरे घर का ये मेहमान नहीं है, मेरे घर का ये फैमिली मेम्बर है। तो ये मैं असद को भी उठा रही हूँ कि उठ जा बेटा क्योंकि मोबाइल का ट्राइपॉड पकड़ना है तुझे, आज मुझे कैंडो का रूटीन बताना है कि कैसे कैंडो को हैंडल करते। तो कैंडो उसको भी उठा रहा है, ये मुझे भी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है ना, मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ आपसे बता रही हूँ, मेरे कैंडो इतना मस्ती खो रहे है कि सबको उठाता है। और ये देखो असद एक आवाज़ में मेरा बच्चा भी उठ गया। मैं अपने कैंडो के रूटीन के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उसे हम कैसे टाइम देते हैं घर में। मैं सबसे ज़्यादा मेरे पास रहता है मेरा बच्चा क्योंकि मेरे सभी फैमिली मेम्बर ज़्यादा काम पे बाहर रहते हैं, मेरे अम्मी अब्बा, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है जितना मैं उस पर देती हूँ। और मैं एनिमल लवर पर्सन हूँ, मेरे पास स्ट्रीट डॉग, अब तक के 4 से 5 जो स्ट्रीट डॉग थे उनको मैंने अपने फैमिली मेम्बर की तरह संभाली हूँ, अपने घर का हिस्सा बनाई हूँ। मेरे डॉग के लिए यानी मैं सबसे ज़्यादा इंसानियत मायने रखती हूँ। जो भी ठुकराए, जो बेजुबानों को तकलीफ़ दे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे लोग जो बेजुबान जानवरों को ठुकरा देते हैं। मेरे घर में टोटल 11 कैट्स थी जिसमें से 4 बचे हुए हैं और बाकी के सब यहाँ वहाँ चले गए हैं। और जितनी भी ज़िंदगी थी उन लोगों के लिए मैंने जितना भी किया, मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले 7 बजे उठ के मेरे कैंडो को बाहर फ्रेश करने के लिए लेके जाना पड़ता है मुझे, तो फिर वो काफ़ी कितना एक्साइटमेंट रहता है यानी एकदम उछल कूदने लग जाता है। उसे पता है कि बाहर जाने का नाम सुनते वो इतना कूदने लगता है कि आपको बता नहीं सकते, इतना वो रहता है बिल्कुल एक बोलते ना एक माँ की तरह मैंने उसको संभाला है। मैंने कभी कोई भी स्ट्रीट डॉग हो हमारे यहाँ के, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं जो भी स्ट्रीट डॉग है उससे बिहेवियर गलत करूँ, मैं तो अपना ही समझ के उनको संभालती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह कैंडो को लेके जाना पड़ता है फ्रेश कर यानी बाथरूम के लिए उसको। और मैं तो स्ट्रीट डॉग कोई भी डॉग हो मैं तो पालती रहती हूँ, मैं संभालती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इंसानियत मायने रखती है कि मेरे अंदर अगर इंसानियत नहीं है इन जानवरों के लिए, बेजुबानों के लिए, तो मैं इंसान होकर क्या फ़ायदा इस दुनिया में आकर। तो हमारे एरिए में स्ट्रीट डॉग को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता नहीं है, हमारे एरिए की बात कर रही हूँ। मैं वो दिन नहीं भूल सकती हूँ जो आज भी इतनी बहरहमी से हमारे जो नेबर के लोग हैं उन्होंने फीमेल डॉग के बच्ची को यानी 7 से 8 बच्चे हो गए थे वो फीमेल को, और बारिश के वक्त में आपको बताना चाहूँगी उस नेबर ने, आज भी वो दिन मुझे याद आता है कि उस नेबर ने क्या किया। जब स्ट्रीट डॉग के जो 7-8 बच्चे हो गए थे उसने बच्चे दी थी घर के बाहर ही, अभी बारिश का वक्त है तो कोई भी जानवर क्या देखेगा, एक आसरा देखेगा कहीं ना कहीं मिल जाए उसको, कहीं ना कहीं बाजू में छत मिल जाए थोड़ा, तो वो डॉग के बच्चे को 7 से 8 डॉग के बच्चे को वो इंसान ने इतनी दूर फेंका, इतनी दूर बच्चे को लेके चला गया और वहाँ पे फेंक दिया जहाँ पे कुछ खाना नहीं पीने के लिए कुछ नहीं। वो बच्चे, उस डॉग के बच्चे जो फीमेल डॉग के बच्चे हैं वो गटर में यानी नाले में गिर के मर गए थे। मैं दौड़ते दौड़ते चले गई थी जब मुझे असद ने ये बात बताया, तो मैं खुद सोची थी चलो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन वो मर गए थे बच्चे वहाँ पे। और उसकी जो माँ है फीमेल डॉग वो मेरे घर ढूंढते ढूंढते आई थी क्योंकि उस फीमेल को मालूम था, क्योंकि मैं उसको खाना है ना खिलाते रहती थी जब भी आती थी यहाँ से प्रेगनेंसी में, तो मैं उसे डालती थी जो भी खाना रहता था घर का बना हुआ,
तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ के लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं रही। और मेरे दिल से वो जो आह निकली थी ना जिस वक्त उस इंसान ने, जो नेबर वालों ने किया, तो सच बता रही इतनी बेरहमी के लोग हैं यहाँ पर कि लिटरली मेरे आंसू भी आ गए थे जिस वक्त बच्चे को मरते हुए देखी थी मैंने अंदर, और निकल भी नहीं पा रहे थे ड्रेनेज के अंदर से, जो नाले के गटर के होते उसके अंदर मर गए थे। यहाँ मेरी ये कैट, मेरा जो सफ़ेद भालू है, इसे इतना आवाज़ दे तो कई सारा वो कहाँ से पार कर गए। आ इधर आ जा, आ क्या हुआ, आ जा, आ मेरा भालू, आ इधर। तो यहाँ मेरा कैंडो सूंघ सूंघ के पहले घास को खाता है, क्योंकि उसके पेट में अगर दर्द होता है ना कभी स्टमक का, क्योंकि जानवर बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, डॉग्स को अच्छी तरह से मालूम है कि कौन से पेड़ का यानी पत्ता खाना चाहिए इनको। तो कैंडो को यहाँ पर कम से कम 2 से 4 राउंड मैं इसको यहाँ पर टहलाते रहती हूँ सुबह सुबह, ताकि वो अच्छे से रहे और थोड़ा हेल्थ उसकी इशू का कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो आपने देखा मेरा कैंडो इतना समझदार है कि बराबर हाथ देता है उसे जैसा बोलो, मुंह धोने के टाइम पे इतनी नौटंकी करता है कि मुंह फेरते रहता है, इसलिए इसको हाथ मुंह धुला के फ्रेश करने के बाद ही घर में लेके जाती हूँ। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ चाय की तैयारी कर रही हूँ, कि आपको पता है आई एम चाय लवर, और सबसे पहले चाय ना पीऊँ तो दिन तो पूरा ही बेकार हो जाता है, इसलिए पहले चाय पी रही हूँ। यहाँ मेरी कैट माओ माओ कर करके मुझे इतना परेशान कर रही है, उसकी बार बार आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो मेरी कैट को पहले मैं दूध दे देती हूँ, क्योंकि बिकॉज इतना चिल्ला रहा है ना वो। तो मैं आपसे अपनी तबीयत के बारे में ये कह रही थी कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी कि मैं दोपहर का खाना और रात का खाना तक नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि फ़ीवर महसूस हो रहा है। और दोपहर में अचानक 4 बजे के बाद है ना मुझे फ़ीवर इतना महसूस हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं सोते रह रही हूँ और सुबह फजर में उठ रही हूँ, जबकि मैं 2 टाइम का खाना तो बना ले रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं जल्दी जल्दी बना रही। और मैं 6:30 बजे जब उठ जाती हूँ तो इतनी भूख लग रही थी। तो ये सुबह सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट ली हूँ अपना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का और रात में खाना तो मैं खा नहीं थी, ये वेफर्स थे। तो मैं सोची चलो कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह दाल जो बनी हुई थी रात में और कुछ सब्ज़ी बनी थी वो खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। यहाँ कैंडो को पूछे तू खाएगा, तो देखो जीभ कैसे लपलपा रहा है। मैं उसको बोली नहीं अभी नहीं मिलेगा तुझे, अभी नहीं, तुझे बाद में दूँगी मैं। तो फिर भी देखो उसके रिएक्शन देखो कैसे चटोरे के हो रहे। हाँ मेरे कैंडो को समझा रही बेटा बाद में खाओ, नाश्ते के टाइम पे मैं दूंगी ना। फिर भी कैंडो मेरा मानने से ना रहा, देखो बार बार देख रहा, तो मैं चल थोड़ा सा खा ले। क्या हुआ, अब चाय भी पियेगा क्या, चाय भी दूं, क्या हुआ, क्या हुआ मेरा लड़ना, अम्बा 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 कैंडो। तो ये मेरा सफ़ेद भालू अलार्म है मेरे घर का, क्योंकि जब भी पाव वाला दूध वाला जो आता है ना तो वो बता देता है कि कोई आया है पाव वाला, कि पाव ले लो। और कैंडो की और इसकी बहुत जमती है मेरे घर में। तो पाव वाले का इंतज़ार करते करते मुझे लगा पाव वाला मेरे दरवाजे को नॉक करेगा, लेकिन वो आज बिना नॉक किए हुए भी चला गया। तो पता नहीं आज दूध वाला भी नहीं है आया, वो जल्दी निकल गया लगता हूँ, दिख रहा नहीं है। अब कैंडो के लिए बाहर से दूध और ये सब मंगाना पड़ेगा मुझे, बिस्किट। कैंडो कैंडो दूध वाला नहीं है, कैंडो अब क्या करेगा, दूध वाला गया वो, रियान को उठा, उठा रियान को, दूध वाला भी चला गया, वो पाव वाला भी आवाज नहीं दिया आज, क्या हुआ, अब चला गया मैं क्या करूं, पाव वाला चला गया क्या करूं, बता बता तू, घर का भालू है तू, भालू सफेद भालू, सफेद भालू ए कहीं नहीं लेके आ रहा, वो कैंडो कहीं नहीं लेके आ रहा। तो गाइस इतना मस्ती करता है ये मेरा कैंडो, बहुत मस्ती करता है, सबसे ज्यादा घर में मस्ती खोर वही है कैंडो, कैंडो तू मस्ती खोर, कैंडो कैंडो इतना सताता है ना घर में, इसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे ना तो क्या करता है, मैंने सबसे पहला उछल कूद करेगा यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे गिरते देगा छूटते देगा। और मैं जब डंडा दिखूंगी ना, अभी आपको डंडे की कमाल दिखाती हूँ, मैं बस डंडा दूंगी ना हाथ में और आवाज़ करूँगी ना
तो कैसे पलट के छूट जाएगा, दिखा दो। कहाँ गया वो? किधर किधर है वो? किधर है? हजर बैठा, किधर है वो? हाँ कहाँ छुपा वो? नीचे पलंग के नीचे छुपा। जैसे ही डंडा हटा दूंगी ना, जल्दी से बाहर निकलता है। ये देखिए। सो गाइस, ये हमारे घर का गुंजो है, सबसे अच्छा मेहमान, ये सबसे लाडला। इसका नाम हमने रखा है चित्ता, चित्ता। और सबसे अच्छी है ये, सबसे बहुत अच्छी है ये, सबसे। ये इतने कभी नहीं सताई मुझे। इसका नाम घर में रखे चोर, अबा ने चोर रखे इसका नाम। अरे चोर नहीं है गाइस, इसको भूख लगती है तो ही कुछ खाती है ये। अरे ऐसा ऐसा है कि खा पी के वहां से चले जाते हैं अपना, कुछ इसका चिल्लाना नहीं। चोर नहीं, सुबह एक बार आती है नाचने के लिए, अभी आज पाव वाला तो नहीं आया, चला गया। देखो आवाज ही नहीं दिया उसने घंटी में से, मुझे बिस्किट मंगा रखे। तो ये मेरे कैंडो का ब्रेकफास्ट है, बॉयल अंडे करी हूँ और साथ ही साथ दूध मैं बॉयल करके कैंडो को देने वाली हूँ नाश्ते में। तू ऊपर क्यों चढ़ गया फिर से? हाँ कैंडो ऊपर क्यों चढ़ गया? अब नीचे आ जा, चल नीचे नाश्ता देती हूँ, आ जा। तभी गाइस इसकी कढ़ाई मैं नीचे हाथ में लूंगी ना, तो देखो कैसा उठेगा, उतरेगा कैसा, देखो सिर्फ इसकी कढ़ाई लेने की देरी है। चलो कुछ रही, अभी उल्लू बनाई, देखो पागल उल्लू बनाई। रोज क्या करते थे हम लोग, उसको कभी दूध में पाव दे देते थे एक दिन में, कभी सूखा दूध, कभी सूखा पाव देना पड़ता था, क्योंकि कैसे रेडी वार्मिंग हो जाता था ना इससे ज्यादा, तो सूखा पाव देना पड़ता था। कभी दही में डाल के दे देते थे पाव, ऐसा। आज तो कुछ भी नहीं है, पाव वाला भी नहीं, और यहाँ पे पाव जल्दी मिलता नहीं है, बहुत दूर आगे जाना पड़ता है। तो इसलिए सोची इसको अंडा बॉईल करके दे दूँ पहले, कैसा घूम रहा है उसके पीछे। हेलो, नाश्ता दे देते पहले। तो मैं अपने कैंडो को अंडा बॉईल किया हुआ देती हूँ, और वैसे भी जो हम खाते हैं वही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके साथ अलग बिहेवियर करूँ, कि उसको कुछ भी खाना है ऐसे ही दे दूँ जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए। जो भी डॉग्स को पालते हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपने शोबाजी के लिए अपने पास डॉग्स मत पालिए, उतना ही केयर करिए जितनी आप अपनी करते हो उन लोगों की। साइड में दूध रख दे उसके। वक्त हो रहे थे 8:30, तो मुझे लग रही थी इतनी जोरों की भूख। अब मैं सोची अब क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ, तो सोच रही थी अंडा और अंडे की भुर्जी बनाकर मैं है ना यहाँ पे रोटी डाल रही थी, और अब्बा को भी मैं सोची, अब्बा भी घर में थे तो उनके लिए भी मैंने रोटी बनाई थी। इतनी जोरों की भूख लग रही थी गाइस कि क्या बताऊँ, रात का खाना अब क्या खाऊँ। दाल बनाए थे तो रात में, और सब्ज़ी बना के गरम, वो फिर मैं सोची चलो कुछ मैं अंडे की भुर्जी बना देती हूँ और रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। 4 से 5 पराठे बनाने में वक्त तो लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं बना के ले रही हूँ मेरे कैंडो को नाश्ता होने के बाद ही, क्योंकि बिकॉज देखो पहले उसका ध्यान देना ज़रूरी है। वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, मुझे समझना भी तो ज़रूरी है। अब जिनको लगता है कि डॉग्स पालना सही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसानियत के नाते अपने जानवरों को संभालती हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कोई भी बेजुबान जानवर है उनको संभालने का मेरा फ़र्ज़ है, और मैं करूँगी आगे भी करूँगी। तो आपको लगता है आज के टाइम में इतना वक्त कैसे निकल जाता है एक जानवर को संभालने के लिए? तो निकालना पड़ता है। जब आप किसी बेजुबान के बारे में सोचते हो ना, तो उसके बारे में ये सोचिए कि वो 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी आपके पास खाई है। तो पहला अब्बा को मैंने भेज दी हूँ, अब्बा को भी भूख लगी थी इसलिए। ये सेकेंड है रेहान को मैं दे रही थी, लेकिन ये अब्बा तो खा नहीं पाए क्योंकि अब्बा को टमाटर ऐड नहीं चाहिए था। ये पहली दूसरी बार हुआ है, अब्बा ने बताया मुझे, तो इसलिए मैं भूल गई थी। ये मेरा नाश्ता चला गया है। यहाँ पर हमारा पानी का वक्त हो चुका है, 10:00 हमारे यहाँ पर पानी आता है। तो सुबह सुबह पानी आ जाता है तो घर के पूरे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। हमारे यहाँ पे एक हफ्ते में 4 बार पानी आता है, जिसमें पानी अच्छा खासा 1 घंटा हमें मिल जाता है, और पूरे रूम का पानी अच्छा खासा भर जाता है। तो ये फाइनली मैंने पानी यहाँ पे लगा दी ड्रम में। पूरे अंडे भरने के बाद ये मैंने ड्रम में पानी लगा दी हूँ। यहाँ पे कैंडो बाहर मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है, तब तक का मैंने सोच लिया चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि जब पानी आ रहा है तो पूरा काम जल्दी जल्दी सुबह सुबह हो ही जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कैंडो को भी नहलाना है मुझे, फिर उसको खाना पीना उसका टाइमिंग रहता है। इस वजह से पहले घर के बर्तन धो लिए, उसके बाद बर्तन होने के बाद ये है वॉशिंग मशीन मैंने निकाल ली हूँ, ताकि सारे कपड़े जो है जल्दी जल्दी वॉश कर ली हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैंने कपड़े वॉश करी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो पानी आ गया है तो आज कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ।
तो घर के अंदर का पानी होने के बाद फाइनली ये बाहर के ड्रम भरने के टाइम पे मैं कैंडो को नहला रही हूँ। हमारा कैंडो बहुत अच्छे से नहा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम अच्छे से देख सकते हो आप, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि मस्ती कर रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत है ना फनी वे में वो हरकतें करते रहता है। इसको समझा रही हूँ मैं, सीधा रहे, मुझे तुझे नहलाना है, नहलाने दे। उसके बाद इसके दांत को भी वॉश करना है, क्योंकि इसके दांत मुझे क्लीन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी अपनी बातें सुन भी लेता है और अच्छी तरह से दांत भी घसने दे देता है मुझे। कैंडो को जल्दी जल्दी नहलाने के बाद उसे बाहर मुझे धूप में रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए, और अभी मेरी फुर्सत है थोड़ी सी। तो यहाँ घर के अंदर मैं पोछा मार के ले रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, और आप उसी के साथ देख सकते हो एक घंटे के बाद कैंडो को घर में लाना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत चिल्ला रहा था और धूप भी बहुत हो रही थी इस वजह से। और ये आप देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी राइस यहाँ पे चावल चुन रही हूँ। हम लोग तो राशन वाले चावल खाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई क्वालिटी के चावल ही खाना ज़रूरी है। मुझे आदत है राशन के चावल के खाने के लिए, तभी जाके मेरा पेट भरता है, वरना मुझे नहीं पसंद। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपके एरिए में हफ्ते में कितने बार पानी आता है या कितने दफ़ा पानी आपको मिलता ही नहीं है प्रॉपर। हमारे यहाँ तो एक घंटा मिलता है, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हफ्ते में चार बार मिलता है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो देखिए गाइस, कांदे को लेकर मेरे बेटे ने क्या बोला, क्या बेटा कितने किलो कांदा? कांदा 70 रुपए किलो, एक आंटी हमारे को भाजी वाले 70 रुपए किलो दे रहे हैं, और एक अंकल, हाँ अंकल 100 रुपए या 90 रुपए किलो दे रहे हैं। तो यही कांदे का रोना है, 100 रुपए किलो कांदे हो गए गाइस। तो आज खाने में बन रहा है अंडे की ग्रेवी बना रही हूँ, और राइस, और कैंडो को दूंगी आज मेरे सिर्फ राइस, और उसमें दही मिलाकर उसको दूंगी, ठंडी दही, क्योंकि बिकॉज 2-3 दिन से ज्यादा स्पाइसी खाना ना अच्छा नहीं है उसके पेट के लिए, इसलिए मैं सोचा आज ठंडा उसको दही का ही दूंगी। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, टाइम बहुत होते भी जा रहा है। ये यहाँ पे देखते हुए जा रहा है मेरा कैंडो कि मुझे क्या दे रहे हैं बना के, कुछ ना कुछ देखो। कैंडो, ओ कैंडो, अरे कहाँ गया कैंडो? हाँ हाँ, पहले पकाने थे मुझे खाना, पहले उसकी नजर यहाँ पे है। चलिए गाइस, मैं जल्दी जल्दी पहले बना लेती हूँ, फिर उसको उसके साथ तो टाइम थोड़ा बिताना है मुझे, दिखाती हूँ उसको। चल अंदर चल, वो देख नहीं मस्ती, अंदर जा, वहां नहीं, ये रूम में जाएगा, फिर भाग कर ये रूम में आएगा। चला चल, हो इधर हो, देख देखो डंडा लेती तेरे लिए मैं, चल कहाँ, ये देखो चल इधर, ये रूम में भाग सीधा, ये रूम में भाग, मुझे भगाते रहता है, चल वो रूम में बैठे रहे। हाँ देखो कितना सता रहा मुझे, ये इतना परेशान करता है ना ये, अब यहाँ पे क्यों आया तू, चल अंदर जाके बैठ, चलो मैं तो खाना नहीं दूंगी तेको, चल अंदर, यहाँ ये रूम में जा, अंदर जा, सीधा अंदर जा, अंदर जाके बैठे रहे ना। कहा भाग रहा था तू? किचन में गया था। धुला उसको, हाथ मुंह धुला दे, अंदर बैठ वापस, धुला उसको, मुंह धुला के ला अंदर। हमारे घर का भुक्कड़ जब भी देखो मैं फाइनली अभी तो हो जाएंगी ग्रेवी अंडे की करी, 12:30 बजे तकरीबन। कैंडो को खाना देना है 1 से 1:30 बजे, तब तक का थोड़ा बर्तन जो है छोटे मोटे वो धो के ले लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर देखते सो खाना देना है, दही और चावल दे दूंगी, फिर शाम के वो घूमने भी लेके जाना उसको, यहाँ वहाँ टहलाना पड़ता है तब जाके सुकून से बैठता है, तो अदरवाइज इतना परेशान रहता है। देखिए ना, बाहर भी निकल जाता है एकदम, जैसे मौका देखता है फिर निकलता है। मुझे डर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे छोड़ने के लिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, सब लोग घूमते रहते हैं, कुछ काट वाट लिया कभी किसी को, तो डर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि पेट ऑनर की, कि वो अपने डॉग को बराबर केयर कर सके, घर में रख सके, इसकी वजह से मुझे उसको छोड़ने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मुझे कुछ डर लगता है यहाँ पे, जब भी कुत्ते इतने ज़्यादा है ना, उसको जरा भी यानी चीर फाड़ देंगे। और कल तो लिटरली ऐसा हो गया कल कि अभी आपको तो पता है दिवाली आने वाली है और बम फटाके फूट रहे, कल इतना डर रहा था, कब कपीट नहीं आ गई थी, सुबह को चिपक चिपक के सो रहा है वो, पकड़ पकड़ के एकदम ऐसा मेरे मुंह पर पूरे निशान हाथ पे पूरे गिरा के रखा उसने। तो देखो आज आप खुद देख लेंगे उसको कितना डरता है वो, पता कि जरा भी आवाज आई ना बम की धमाकों की तो ऐसा डर जाता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ भागने लग जाता है, टॉयलेट भी आ जाती कभी कभी, तो उसको यहाँ को बोलती जल्दी लेके जाए, बाथरूम टॉयलेट आ जाती डर के मारे। अब क्या करेंगे वो, कैसे उसको छोड़ नहीं सकते, उसका रीजन ही नहीं है छोड़ने का, ऐसा एकदम वो हो जाता है, हाथ पर हड्डी वड्डी उसकी कांपने लग जाती है, जरा भी वो रह नहीं पाता सही से। चलो फाइनली उबल गया है अंडे की करी का ग्रेवी थोड़ी, अब मैं डालूंगी इसमें अंडे। ये मैंने बनाई हूँ आज 2 टाइम की बना दी हूँ अंडे की करी, क्योंकि 2 या 3 दिन से मेरी तबीयत इतनी खराब है ना
जिसकी वजह से मैं घर का काम नहीं कर पा रही ज्यादा। यानी ऐसा हो रहा है कि काम तो हो रहा है, घर का काम तो मैं पूरा निपटा रही हूँ, बट मैं दोपहर का खाना छोड़ दे रही हूँ, रात का खाना भी छोड़ दे रही हूँ। डायरेक्ट मैं सुबह उठ रही हूँ 6:30 बजे, यानी 4 बजे के बाद मुझे इतनी नींद लग जा रही है, मेरी आंखें इतनी एकदम नींद से हो रही है और बहुत यानी फीवर जैसा भी महसूस हो रहा है। तो यानी मैं खाना आना भी दोपहर का छोड़ दे रही हूँ अभी, तो ये 2 टाइम का बना देती हूँ। कभी कैसा होता है नींद लग जाती ज़्यादा तो नहीं हो पाता, फिर उठ के बनाना वापस, क्योंकि दोपहर का तो अब मैं 2-3 दिन से मैं खुद नहीं खाना खा रही हूँ। रही बात है अम्मी को, तो फिश है फ्रिज में तो वो गर्म करके भी खा लेते हैं। तो ये है अंडे की करी, अंडे की करी का लुक दिखा देती हूँ आपको। ये है अंडे की करी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी इसी तरह से बनाते हो या कुछ डिफरेंट हटके बनाते हो। ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, इसमें मैंने गीला खोपरा भी ऐड करके इसे पीस लिया है, एक ऑनियन टमाटर सब कुछ ऐड करके गर्म मसाला, देख सकते हो लुक। अब इसे 5 मिनट रखूंगी और फिर से गैस को बंद करके थोड़े से बर्तन है बस उसे वॉश करना है मुझे। बेटा आओ, आओ थोड़ा आराम करो। अब देखें, चलो सुकून से आओ, इधर थोड़ा आराम करो पलंग पे, बाद में सबको खाना मिलेगा, ठीक है? मैं कैंडल कितना गौर से सुन रहा है, राइस देखना, सबको खाना मिलेगा अगर हाँ तू तुझे पहले मिलेगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, सुन सुन मेरे को मारना गाइस, ये मेरे को मारता है गाइस, मेरे को मारता है, ये मारता भी है मुझे, मालूम है ऐसे ऐसे देखो। मैं इसको मैं समझा रही, सबको खाना बराबर मिलेगा, फिर भी देख देख वो वीडियो चल रहा है वहां पे, अगर तूने मुझे मारा ना तो याद रखना, समझ गया? ऐसे मेरे को मारता भी है, ये मेरा प्यार है बच्चा, जब लड़ाई करता मारता भी है, बहुत मारता है ऐसा गंदा बच्चा, नीचे गंदा बच्चा, गंदा बच्चा ये। खाना खाने के लिए जिद कर रहा खाना दोस्तों, अभी मैं थक गई हूँ, अभी मेरी कमर दुख रही है, 12:30 बज गए हैं, अभी खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा लेटने दे मुझे, आराम करने दे। हाँ सुबह से उठी हूँ मैं, गाइस मार रहा है, मारता है, मारता है मुझे, मुझे मारेगा गाइस। ये मैं इसको इतना उल्लू बनाती हूँ कहीं जाने के। अब देखना अभी है ना, मैं उस रस्सी को हाथ लगाऊंगी ना तो उसको लगेगा घूमने जा रहे, रिता कूदेगा यहाँ से वहां। चलो चलो अगर लोगों को अभी मैं खाना दे दूँ ना तो इनको वापस से भूख लग जाती है, इसलिए थोड़ा लेट देती मैं खाना इन लोगों को। ये तो सुबह से भुक्कड़ है, इतना खाता है ये भुक्कड़ है घर का। माँ आ माँ, क्या खाना? अभी नहीं, 1 बजे के बाद। नहीं नहीं 1 बजे के बाद मेरा भालू है, ऐसा मिलेगा भालू आपको कहीं, इतना खूबसूरत भालू, गोरा भालू, भालू देखो दिखा रही हूँ मैं सब्सक्राइबर को, बोल पहले बोले, पहले बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बेटा आ ऊपर आ जा, आ जा लेटो, लेटो बेटा लेटो लेटो, गुड, हाँ वेरी गुड। हेलो गाइस बोला, हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या करूं? टाटा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता जानवर रहने से कम से कम बोलते ना मन हल्का भी हो जाता है मेरा थोड़ा दिल किया ने होता ना, मुझे खुशी भी मिलती है उससे, थोड़ा बाहर बैठे बैठे अच्छा लगता है, अकेलापन खत्म हो जाता है मेरे बच्चों से। दूसरे कुत्ते लोग में एक फ़र्क होता है कि जरा एग्रेसिव ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं, मेरी बात को इतना समझता है ना। अभी सूटते जब खाना नहीं लूँगी, थोड़ा लेट दूँगी, 1 बजे के बाद ही लूँगी सूट खाना। चलिए गाइस इन लोगों को खाना दे देती, मुझे छक्की लग रही थी नींद की दोपहर की, पहले मैं इसको खाना दे देती वरना टाइम हो जाएगा, 1:30 बज गए थे। तो ये मेरी बिल्ली के लिए मच्छी निकाल के रखी थी मैंने, मेरे कैंडो को दे दी थी मैंने, और आपको बताना चाहूँगी ये प्लेटें सारे बिल्ली के और कैंडो के हमारे, हम लोग यूज़ नहीं करते। कैंडो को दही चावल दे देती ना तो थोड़ा, कैंडो कैंडो को देती पहले, मेरे 2 जनों को देती हूँ, गुंजो आएंगी नहीं, गुंजो को लिए ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, ये गुंजो की प्लेट ऊपर रख देती पहले, फिर आती ना वो तो इन लोगों से लड़ाई चालू होती है, ये दोनों को देती हूँ पहले। चलो ये गुंजो अभी आएगी, बोली ना मैं, अब गुंजो को बताना पड़ता है, गुंजो तुम्हारी प्लेट इधर बेटा, इधर ऊपर आ जा, चलो खा लो जल्दी, चलो। तो ये हो गया हमारी कैट का और मेरे कैंडो का खाना, ये लोग खा लेंगे आराम से। अब शाम में मैं कैंडो को लेके जाऊंगी घुमाने और मिलती हूँ आपसे शाम के बाद।
ऐसा टूट पड़ता खाने में दही चावल को, खा लेता है पेट भर, फिर पानी पी लेता है, सुकून से सो जाएगा। अभी जा केंडो शाम पे जा। सो गाइस अभी बज रहे 4:30, इसको लेके जा रहा है वो टहलाने संभाल के ले जा। गाइस मौसम इतना सुहाना है ना, ऐसा लग रहा बारिश आने वाली है, देख सकते ठंडा लग रहा है। नींद भी आ रही है लेकिन सो नहीं पा रही, अभी भी सो ही नहीं हूँ मैं। रेहान को गोदी लेके जाना के लिए टहलाने के लिए, अभी भी नींद आ रही थी गाइस, सो नहीं पाई हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, नींद इतनी आ रही ना अभी भी। सो टहलाने का था इसलिए मैंने रेहान को बोली टहलाने के लिए, वरना नींद बहुत आ रही थी मुझे अभी भी, चिकनने वाली है ऐसा लग रहा है मौसम। पे घास खिला देना इधर आके, वो घास खाता हो। तो फाइनली गाइस ब्लॉग मुझे यही एंड करना पड़ेगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सारा प्यार देना। और यही मेरा डॉग का रूटीन है, उसे शाम में लेके जाना टहलाना, मॉर्निंग में लेके आना। और देख ही सकते मुझे नींद इतनी आ रही है ना अभी भी, मुझे नींद आ रही है लेकिन क्या करूँ गाइस, बहुत फीवर जैसा महसूस होता है ना, इस वजह से नींद इतनी आ रही है ना। तो अभी जस्ट मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरे आँखों में बहुत नींद है। और काम तो आपने देखा सुबह से उठ के मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया था। तो कैंडो घास खा रहा है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। बाय एवरीवन, टेक केयर।